गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.3 का वन क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स निकालना है। यदि रूट्स एग्जिस्ट होता है तो किस मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कैसे हम रूट्स इसका फाइंड करेंगे? यदि रूट्स एग्जिस्ट होता है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आइए इसको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको क्या है ना, इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें इस कांस्टेंट को इस साइड ले आए, कांस्टेंट टर्म को इस साइड ले आएंगे, उसके बाद इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। दो तरह से बनाया जा सकता है। टू हटा देंगे, बाद बाकी जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर आएगा, तो फोर एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ना। उसको हम सो ए स्क्वायर का फॉर्म बना सकते हैं। टू एक्स को ब्रैकेट के अंदर में लेकर स्क्वायर कर देंगे। अब टू एक्स को ए लेट करेंगे तो ए स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ जो पर्पस है इसको, कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर पहले से है तब तो फिर आवश्यकता नहीं है उसको बनाने का, अगर नहीं है तो उसको बनाना है। यहाँ पर टू यदि हम हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, तो टू को हटा दिया। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए टू से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, इच टर्म में। इसमें डिवाइड करेंगे इतना आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट, इसको हम बनाएंगे क्या, इसको ए स्क्वायर और इसको 2ab, है कि नहीं। तो इसको ए स्क्वायर कैसे बनाएंगे, और इसको हम बनाएंगे 2ab। तो 2 लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, बट a क्या है, x, तो a के लिए हम x लेंगे। अब रहा b का बाप, तो b हमको नहीं पता है, तो b जो हम लेंगे इस बात को ध्यान में रखकर कि जो भी हम b लेंगे उसको जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर होना चाहिए। तो उसका थोड़ा सा टेक्निक क्या है, कैसे में बी क्या हो सकता है। तो ये जो नंबर है इसके नीचे में दो से मल्टीप्लाई करो, यानी जितना आएगा वो बी का वैल्यू होगा। यानी बी के लिए यदि हम उतना लेते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आएगा। अब स्टूडेंट, बी डिक्लेयर हो गया, बी कितना बना, 7/4, कितना है, 7/4। अब हम क्या करेंगे, तो 7/4 स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे। तो इसको ए स्क्वायर बनाया, इसको 2ab, और बी जैसे ही बी डिक्लेयर हो गया तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बी स्क्वायर प्लस कर दिया, जहाँ b कितना है, 7/4। तो बी स्क्वायर प्लस किया दोनों तरफ। अब LHS में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे LCM लेकर के, माइनस होगा, इतना आता है। अब स्टूडेंट, यहाँ क्या है ना कि रूट्स इसमें प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर रूट्स एग्जिस्ट होता है तभी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कीजिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि रूट्स एग्जिस्ट होता है या नहीं, तो यहाँ देखा जाए, इसका जो स्क्वायर है वो इतना आया है और वो पॉजिटिव है। तो अगर इसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट होगा।
अगर नेगेटिव आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये पॉजिटिव है, इसीलिए गिवन इक्वेशन का सो रियल रूट्स होगा। अब हम रूट्स निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे और इधर लग जाएगा रूट और पीछे प्लस माइनस। अब हम 7/4 को इस तरफ ले जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट इतना आ गया। अब 7/4 को उस साइड ले जाओ, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे एक साथ इतना आएगा। अब हम अलग कर लेंगे, इसमें दो रूट्स है, एक 7+5/4, दूसरा 7-5/4। तो हम दोनों रूट्स को अलग कर लेंगे, फिर रिजल्ट आता है एक्स कितना 3 और 1/2। तो स्टूडेंट्स, रूट्स इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सब है, 3 और 1/2। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।